आप सब कैसे होंगे? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको कुछ लाइंस सिखाऊंगी, ठीक है? मैंने आपको पिछली वीडियो में इतने सारे वो सिखाए थे, आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लाइंस आप यहाँ से की इस तरह से ले। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है, टूट जाती है अक्सर। ये लाइंस में होता ही है कि ये टूटती है, पर हमें ऐसे नहीं सीखना है। मैं आपको सिखा रही हूँ इस तरह से ले। ये देखिए, कोई बात नहीं, होएगा, शुरू शुरू में टूटेगी, पर हमें प्रैक्टिस करनी है कि हमारी टूटे ना। ये देखिए, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको प्रैक्टिस सिखाने के लिए ही वीडियो लाई हूँ। इस तरह से कीप को करें और धीरे धीरे ऐसे लाइन करें। ये देखिए, करते रहिए आप भी प्रैक्टिस, जिससे हमें सीखना है कि ये लाइन टूटे ना, टेढ़ी मेढ़ी ना हो ये लाइंस। मैं आपको, जब तक आपसे लाइंस बनानी नहीं आएगी ना, मैं तब तक आपको ये सिखाती रहूंगी। ये देखिए, ये हमारी लाइंस हैं, शुरू में टूटेंगी सबके साथ। ये होता है, मेरे साथ भी यही होता था, पर आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए बनी बनगी नहीं बनगी, कुछ टूटी है, कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ऐसी होएगा, पर जिससे ये हमारी टूटे ना, हमें तो इस तरह से सीखना है ना। ये देखिए कितनी अच्छी, अगर टूट जाए तो ऊपर से फिर से दोबारा ले लीजिए, क्या दिक्कत है। ये देखिए, देखिए ठीक है, हमें बीच में जो गैप देना है वो हमें बराबर देना है, कोई छीदा, कोई छोटा, कोई बड़ा, इस तरह से नहीं होना चाहिए, पर आपको सिखाने के लिए। ये देखिए, ये ऐसे टूट रही है ना, कोई बात नहीं, शुरू शुरू में होता है कि ये लाइंस टूटती हैं, पर टूटेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए, धीरे धीरे लोगे तो लाइन नहीं टूटेगी, अगर जल्दी करोगे तो टूटेंगी। ओके, इसमें बहुत सारे डिजाइन होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगी, पर आप पहले लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए। इनमें थोड़ा आसान होता है, खाने बना के त्रिभुज वाले, इनमें सीखे तो होएगा, टूटेगी, जरूर टूटेगी। शुरू शुरू में तो होता है कि लाइंस टूटती हैं, पर आप जब सीखोगे नहीं तब तक कैसे। आप देखो कीप इस तरह से रखी, ठीक है हमने, और यहाँ पर कीप में थोड़ा थोड़ा दबाव देते जाइए नीचे को, ऐसे थोड़ा थोड़ा, ये लाइन हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। ये देखिए, यहाँ पर टूटी, फिर यहाँ पर टूटी। प्रैक्टिस 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 कीजिए जरूर, ऐसा नहीं है। ये देखिए, आपको सिखाते सिखाते मैं भी अपनी लाइंस को भूल जाती हूँ कि मुझे किस तरह से लेनी है, ठीक है? अब हमें बिल्कुल अच्छे से करनी है लाइंस हमारी, जिससे टूटे ना। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से लोगे तो क्यों टूटेगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी। शुरू शुरू में मेरे साथ भी होता था, टूट जाती, देखो अब भी टूट जाती है मेरे से, ऐसा नहीं है कि मेरे से भी नहीं टूटती, हो जाता है कभी कभी कि लाइन्स टूट जाती हैं, ऐसा नहीं है। सीखिए, लाइन्स नहीं टूटेंगी आपकी, इस तरह से आप बना सकते हो। ये देखिए, कीप पे दबाव डालिए जिससे कीप निकले, टूटती पता क्यों है, हम कीप इस तरह से लेंगे और ऊपर को उठाएंगे, वो हमारी टूट जाती है। आप कीप को दबाव डालिए, बिल्कुल भी नहीं, कीप इतना भी दबाव मत डालिए, ये देखिए ऐसे हो जाता है, तो हल्का दबाव डालिए, बारीक उससे बिल्कुल। ये देखिए कितनी अच्छी लाइंस बनी है हमारी, ठीक है? ये देखिए, क्यों टूटेगी, जब तक सीखोगे नहीं तो टूटेंगी। ये देखिए, मैं तो आपको इसलिए धीरे धीरे सिखा रही हूँ, पता है अगर ये जल्दी जल्दी करो ना तब नहीं टूटती है, मुझे आपको सिखाने में इतनी धीरे धीरे चलना पड़ रहा है कि मेरी भी टूट रही है। ये देखिए, अब मैंने कितनी जल्दी किया, कोई टूटी नहीं, टूटी बहुत कम टूटती हैं, पहले सीखिए तब। अब मैं आपको इसमें फिर लाइन्स सिखाती हूँ।
चलो अब हम फिर से लाइन सीखते हैं, जब तक आएगी नहीं तब तक हमारी लाइन सी चलेंगी, ऐसा नहीं है। देखिए कितनी अच्छी है ये, कोई हमारी टूटी नहीं टूटी, वो मैं आपको सिखाने के लिए मुझे इस तरह से दिखाना पड़ रहा था कि टूटती है। अब देखिए आप धीरे धीरे देखिए, ये देखिए देखिए ये हमारी बनी, ये टूटी, पर ये टूटी नहीं है, कीप मैंने पीछे हाथ हटा लिया जिससे आपको मैं दिखा सकूं, ऐसे टूटती है बीच बीच में, हमारी बिल्कुल नहीं टूटेगी। अगर आप इस पहले इस तरह से सबकी टूटती है, पर जब आप बनाओगे ना तो ये लाइंस बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। एक तो मेरा हाथ उल्टा पड़ लिया है, देखिए अब जल्दी जल्दी ले, जल्दी जल्दी कीजिए, कितनी अच्छी आ रही है जल्दी जल्दी में लाइन हमारी, ये देखिए देखिए मेरी तो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मेरे से आती है तो मैं तो किसी तरह से भी कर लेती हूँ। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, क्यों टेढ़ी मेढ़ी होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ये लाइंस देखिए आप, ये लाइंस देखिए, ये वाली देखिए, ये वाली देखिए, बीच बीच में टूटेगी। मैं अगर आप बिल्कुल ही नहीं चाहते हमारी लाइन टूटे तो आप इधर कीप रखें, ठीक है इधर ऐसे कीजिए और धीरे धीरे से ये लाइंस आप देख लेना, ये लाइंस हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, हम तो आपको सिखाए इस तरह से रहे हैं। ये देखिए कहाँ टूटी, आपको सिखाने के लिए मुझे ही ढंग से कीप पकड़नी पड़ती है, कि ऐसा होता है कि हमारी लाइंस टूट जाती हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से सीखोगे तो हमारी लाइन बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। ठीक है अब हम इस साइड आ जाते हैं, ये देखिए बताइए कहाँ टूटी हमारी लाइन, ऐसा नहीं है, हो जाता है। पता जिनसे मेहंदी लगानी आती है कभी कभी सिखाते सिखाते उनके साथ ऐसा हो जाता है, वो आपको सिखाते सिखाते ना उनकी खुद भी ऐसा हो जाता है कि लाइन टूट जाती है, पर ऐसा नहीं है। आप जल्दी जल्दी कीजिए, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ तो मेरी तो बिल्कुल भी नहीं टूटती है। देखिए अगर मैं आपको जल्दी जल्दी सिखाऊंगी तो मेरी लाइन्स तो टूटेंगी नहीं, पर आपसे नहीं आएगा। ठीक है तो मैं धीरे धीरे करती हूँ तो मेरी लाइन्स टूट जाती हैं। तो देखिए टूटी, कितनी सारी लाइन्स बना दी, कितनी अच्छी आई है। ठीक है ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे थोड़ा लोगे शुरू शुरू में तो वो टूटेंगी, अगर आप इस तरह से करोगे ना तो लाइन्स हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटती है। देखिए ऐसा हो जाता है, बीच में धीरे कर दिया तो वो टूट गई, ऐसा नहीं है। हमें सीखना है, आपको सिखाने के लिए मुझे धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। टूटेंगी मुझसे भी टूटेंगी, आपसे भी टूटेंगी। अगर आप बिल्कुल आप चाहते हो कि हमारी लाइन्स ना टूटे तो आप प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए ये हमारी लाइन्स हो गई, ठीक है ये देखिए ये लाइन्स है। मैंने आपको आज लाइन सिखाई है बड़े, उसमें मैंने आपको पहले भी सिखाई थी वो छोटी छोटी, उसमें आपको पता नहीं चला होगा, पर आज आपके लिए मैं वीडियो लाई हूँ लाइन्स की, कुछ डिजाइन और बना के। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कुछ टूटी है, देखो इसमें हमारी कितनी टूटी, इसमें तो नहीं टूटी, इसमें हमारी एक दो तीन चार, हमारी चार लाइन टूटी है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे आपको सिखाने के लिए मेरी भी लाइन्स इसलिए टूट रही हैं, कभी आप बोलो कि आपकी तो टूट रही है आप हमें सिखा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सिखाने के लिए मुझे धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, मेरे साथ ही है तो मुझे ज़रा धीरे धीरे ना थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं क्या कोई भारी चीज़ सिखा रही हूँ। अगर मैं जल्दी जल्दी लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मेरी नहीं टूटती है, पर आपको सिखाने के लिए मेरी लाइन्स भी टूट जाती हैं क्योंकि मैं धीरे धीरे चलती हूँ। पर कोई बात नहीं, आप देख रहे होंगे मेरी कितनी इनमें सफाई है। ठीक है जब तक आपसे, मैंने आपको पहली वीडियो में भी लाइन सिखाई थी, पर मैं आज आपके लिए प्यार से अच्छे से लाइन्स लाई हूँ जिससे आप ये लाइन्स आराम से सीख पाएँ। ठीक है छोटी आज मैंने आपको इस वीडियो में, देखो हमारी 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है और इस पूरी वीडियो में मैंने आपको लाइन सिखाई, और कुछ तो नहीं सिखाया है। बताइए आप, जब मैं आपको एक एक चीज़ प्रॉपरली सिखा रही हूँ तो आप सीखने की प्रैक्टिस कीजिए, तो आप सीखने की प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी लाइन्स बनी है ये हमारी, हमारी ये जो हमारी टूटी है ना ये भी बिल्कुल नहीं टूटेगी। अब मैं आपको फिर से बताती हूँ, चलो इसमें मैं आपको लाइन्स सिखा देती हूँ, आप कीप इस तरह से लीजिए। ये देखिए
बताइए क्या दिक्कत है। तो लाइंस खींचने में क्या दिक्कत आ रही है? अब मैं आपको फिर से ये सिखा देती हूँ। मैंने सोचा था आज मैं आपको कुछ डिजाइन सिखाऊंगी, पर जब आपसे लाइंस नहीं आ रही है तो मुझे लाइंस आपको सिखानी तो पड़ेंगी। ये देखिए, एक तो मेरा हाथ बताते समय उल्टा पड़ लिया है, ये देखिए, ये देखिए। पहले ऐसा होएगा, फिर पहले आपसे ऐसा होएगा, फिर ऐसा होएगा, फिर ये हमारी प्रॉपरली, ये देखिए, लाइंस बिल्कुल बन जाएगी। कितनी अच्छी लाइंस बनी है हमारी, ठीक है। शुरू शुरू में होता है, सबके साथ होता है। अगर आप ये कहते हैं ना, ये इधर से हमारी टूट जाती है, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। हमें इस तरह से नहीं सीखना है कि हमने ऐसे कर दी। ये तरीका हमारा सही है, गलत नहीं होता है कुछ तरीके, लेकिन ये हमें जो मेहंदी लगाना सीखना है प्रॉपरली, वो तो हमें इस तरह से सीखना है ना, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा नहीं है। जब तक आप देखो, अब मैं बार बार आपको लाइन सिखाती रहूंगी, लाइन से सिखाती रहूंगी, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कहो तो मैं 10 बार भी सिखाऊंगी, मैं सिखाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक, वरना मैं क्या, मैं तो लाइन से सिखाती रहूंगी, बताओ। मैं तो इस तरह से भी सिखा दूंगी। कुछ होती है ना लाइन्स, हम डिजाइन में इस तरह से ऐसे लेते हैं। ये देखिए, बहुत डिजाइन है। मैं आपको डिजाइन बन, चलो मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। देखिए ये वाले डिजाइन, तो आप सबसे, मैंने आपको ये डिजाइन सिखाया था ना, इस तरह से ये डिजाइन है। अब मैं आपको इस तरह से बना के दिखाती हूँ, ये डिजाइन हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, कुछ ये डिजाइन हैं, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर से इस तरह से कर दें, फिर ये डिजाइन्स हैं। बहुत काफ़ी कुछ है सिखाने के लिए, मगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं आपको क्या सिखा पाऊंगी, आप ही बताओ। ये देखिए हमारा डिजाइन्स, देखिए ये डिजाइन्स हैं, ये वाले हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैंने सोचा था आज मैं आपको ये डिजाइन सिखाऊंगी, आपको बता देती हूँ इसी में। ये देखिए, जब आपसे लाइन ही नहीं आ रही तो मैं आपको क्या सिखाऊंगी। ये देखिए, सब मेहंदी में इस डिजाइन को, काफी अच्छा होता है ये डिजाइन। ये देखिए, ये मैं आपको कल सिखाऊंगी। उम्मीद, मैं बिल्कुल आपसे आशा कर रही हूँ कि आपसे, अब तक तो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं की होगी। देखिए इधर ये साइड लगा रहा हमें डिजाइन, उधर का लगा रहा, कोई बात नहीं, हम आपको बराबर का डिजाइन सिखाएंगे कि उधर भी हमारा ऐसी आए और इधर भी हमारा ऐसे आए। बस आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आपसे लाइंस नहीं आ रही तो मैं आगे को कैसे बढ़ सकती हूँ, आप ही बताइए। अगर मैं बार बार आपको लाइंस ही सिखाऊंगी बनाना, तो फिर तो मुझे लगता है मेहंदी क्लास आप 6 महीने में तो दूर की बात, आप 1 साल में भी नहीं सीख पाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ये देखिए, मैंने सोचा था आज मैं आपको ये डिजाइन सिखाऊंगी, कुछ और कुछ हमारे और डिजाइन हो जाएंगे तो। पर आप लाइंस, पहला लाइंस ही, चलो आप लाइंस ही बनाना सीख लीजिए पहले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे, हमें जल्दी किसी बात की नहीं है, ठीक है। शुरू शुरू में ऐसा होएगा, टूटता है, मेरे से भी टूट जाती। देखो अभी आपको सिखाते हैं, मेरे से टूट नहीं थी, टूट रही थी, मुझसे इसलिए टूटती क्योंकि मैं आपको ऐसे, देखो ऐसे धीरे धीरे सिखा रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो मेरे से टूटती है, आपने देखा होगा मेरे से टूटती है धीरे धीरे। अगर मैं काफ़ी जल्दी चलती हूँ ना, देखिए मैं अगर ये जल्दी जल्दी करती हूँ तो मेरे से नहीं टूटती है, टूटी नहीं, टूटी क्योंकि मुझसे जल्दी जल्दी आता है। पर जब मैं शुरू शुरू में धीरे करती थी, मेरे से भी टूटती थी शुरू में। अरे शुरू में टूटेगी तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी शुरू में टूटे तो हमें इस लाइन से कोई दिक्कत नहीं है, ये टूटनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये टूटेगी नहीं तो हमसे आएगा भी नहीं, ठीक है। सही बात है, जब तक कोई भी चीज़ हो, जब तक कोई कांच नहीं टूटता तो हम कुछ नहीं सीख पाते, ठीक है। जब कांच टूटा, हम जब भी सीखते हैं कि ये टूट गया तो हमें आगे से इसे नहीं तोड़ना है, तो लाइंस भी इसी तरह से है। जब तक ये टूटेगी नहीं, जलेबी होती है ना, जलेबी बनाते बनाते टूट जाती है, जब तक जलेबी टूटती नहीं तब तक किसी से आता नहीं। तो प्लीज़ आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपसे भी बहुत जल्दी मेहंदी लगाना आ जाएगा। ये टूटेंगी कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाती रही हूँ, जब मेरी टूट रही है तो आपकी भी टूटेंगी,
सही बात है ना, जब मेरी नहीं टूटेंगी तो आपकी भी नहीं टूटेगी। इसी इसी मैं आपको इसी तरह से सिखा के चल रही हूँ कि मेरी भी टूटे आपकी भी टूटे। जब आपकी ये टूटते टूटते तो देख लो कितनी प्रॉपरली आ रही है, बिल्कुल भी इतनी सफाई आ रही है इसमें। ये देखिए मैंने जल्दी बनाई, कितनी अच्छी लाइंस बन गई। ये टूटते टूटते अगर हमारी इतनी सफाई आ गई तो समझ लो हमसे कुछ तो आया है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए। कल मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगी, मैंने आपको बता दिया है, कल मैं आपको ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन सिखाऊंगी। ठीक है, ओके गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको और किस ढंग से मेहंदी सीखनी है, मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़, मैं आप सब भी कह रही हूँ प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, ओके बाय।